नमस्कार पंडित जी, और आज क्या सुना रहे हैं आप? आज मैं जो तुम्हें कहानी सुना रहा हूँ वो कहानी है बिहार के वसेपुर की। अच्छा, दिस इज अ स्टोरी अबाउट साजिद खान नॉनसेंस एंड सन्स। नॉनसेंस? नॉनसेंस इसलिए कि पहले तो एक डकैत के नाम से डकैती, और फिर मना करने पे बकैती। अच्छा, लात मार के गांव से बाहर निकाल दिए गए। अरे बाप रे। बाहर जाके एक रामाधीर नाम के कोयला व्यापारी के अंडर में खुदाई का काम करने लगे। अच्छा, वहाँ जाके ये एक बच्चे के बाप बने, और रामाधीर के एक पहलवान को मारने के बाद ये रामाधीर के खास पहलवान अपने आप बने। अरे वाह, क्या बात है। पर इनका चूतिया पा इन्हें डूबा। इसके बाद रामाधीर सोचे कि साजिद का चैप्टर खत्म हो गया, पर उनके छूटे हुए छाते ने उनके अगले चैप्टर की हेडिंग लिख डाली। और ये अगला चैप्टर था साजिद के बेटे सरदार खान का। सरदार खान जिसने रामाधीर को मारने की कसम खाने के साथ साथ अपने बाल भी खाली, मतलब वो बाल भी मड़वा लिए। एक नगमा नाम की महिला के साथ विवाह होने के बाद ये तीन बच्चों के बाप बने, पर मकसद इन्हें अभी भी याद था, और उसी मकसद के चलते ये रामाधीर के बेटे जेपी के अंडर में ड्राइवर बने। जहाँ जाके इन्होंने गाड़ी तो कम चलाई, अपना दिमाग ज्यादा चलाया। और इस पर जब अपने रामाधीर और उनके बेटे ने आपत्ति उठाई तो उन्होंने उनपे हाथ उठा दिया। अरे बाप रे। जिसके चलते इन्हें जेल हो गई। जेल जाकर एक बम तो इन्होंने जेल में फोड़ा, जिसे फोड़कर ये फरार हुए। और दूसरा बम इन्होंने एक कुरेशी के घर में एक बंगालन के साथ चक्कर चला के फोड़ा। हाँ, लेकिन अभी ये फूटा नहीं था। कब फूटेगा ये देखिए कहानी में आगे फूटेगा। अच्छा। इसके बाद सरदार खान ने रामाधीर को सीधी चुनौती दी, पर इस बार बात रामाधीर की कुर्सी की थी। सरदार को तो मारना ही था, मारे कौन? सुल्तान, रामाधीर का एक खास आदमी। अच्छा। और इसके साथ ही सरदार खान का चैप्टर खत्म हो गया। खत्म कहानी नहीं, अभी सरदार खान के वो दो लड़के भी तो थे, वो क्या बोलते हैं, फैजल और दानिश। साजिद के समय से चले आ रही इस बदली की ट्रेन में दानिश सबसे जल्दी चढ़ने वाला और सबसे जल्दी उतर जाने वाला पहला लड़का था। अरे। पर फैजल अभी जिंदा था। दानिश की मौत के बाद जब इनकी माँ ने इनको टोका, हाँ। तो पहले तो डायलॉग बाजी, हाँ। फिर रंग बाजी, हाँ। और फिर इश्क बाजी, हाँ। और यहाँ पर सुल्तान ने की जल्दबाजी, क्योंकि वो नहीं जानता था कि फैजल अकेला नहीं था, डेफिनेट उसके साथ था। डेफिनेट वही सरदार का बिना फूटा हुआ बम। इस घटना के बाद ही डेफिनेट को जेल हो गई। डेफिनेट वो आदमी था जो किसी के लिए भी डेफिनेट नहीं था, और ये दो ही आदमी जानते थे, एक तो रामाधीर और उनका बेटा जेपी। पर रामाधीर अपने बेटे को नहीं जानते थे, और जब तक जानते तब तक देर हो चुकी थी। अरे तो सरदार का दूसरा बम वो देखो वो ये यहाँ आके फूटा। अरे साला ये तो कमीना निकला। कौन कमीना नहीं था, सारे कमीने थे। अब बंगालन को देखो ना। सर क्या नाम है इस उपन्यास का? मार दिया क्या तुम?